क्या होया? इतना सारा पानी किसने गिराया? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, ले ली क्या? रुको, अरे लिया इधर, जल लिया रिंका, अरे ऐसे ऐसे नहीं करा। हरी बोल, हरी बोल, आ गए। Thank you.
अच्छी गाड़ी करवा दे, दिखा दिखा करके हाँ। पहले बैठते ना तो मेरे देख में अच्छा प्रभु प्रभु जी मुझे तो आए दरवाजे की चौंद आ रही उसको बंद करवा गुरुदेव गुरुदेव को बोल रहे बंद करने के नहीं किसी को बंद करवा देंगे ये दरवाजा बंद करवा दो पीछे से हाँ ये बहुत रोशनी आ रही है लाइव ठीक नहीं आ रहा है बस Thank you.
Thank you.
हम लोग इस स्थान पर आए हुए हैं। इस स्थान का नाम नारद कुंड और नारद ऋषि के तपस्या स्थली। जब हम लोग इस मेन रोड से जब प्रवेश किया, लिखा है नारद कुंड तपस्या स्थली द्वार, प्रवेश करके इधर आए हैं और पास में नारद कुंड जिसका संस्कार चल रहा है। इस स्थान की महिमा के संबंध में शिवान महाराज वर्णन करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय हरिकामि तदावे कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय सर्वथा मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला कवित्वम विष्णुपाद अष्टोत्तर तत्व भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज शिवम नित्य लीला कवित्वम विष्णुपाद अष्टोत्तर तत्व भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अवय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर तत्व भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं सनातनवृंद परम स्नेहसुधा मातृवृंद गोविंद सज्जनवृंद हरिकथा आपके पास प्रस्तुत है। सभी विचरण कमलों में मेरा जैसा जैसा गौरव प्रणाम स्वीकार। जो राशि क्रोध ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान के नाम आप लोगों ने श्रवण किया नारद ऋषि का तपस्या भजन स्थल है। मिलकर के उज्जवल मणि ग्रंथ की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ही देखते हैं। देखो राधा मंडल राधा मंडल की समीप कुसुम सरोवर, इस कुसुम सरोवर में नारद ऋषि ने अनंत काल तक अनेक साल तक हजारों साल तक भजन साधन आदि करके सिद्धि प्राप्त की और अपने सिद्धि में उन्हें लिखा गया नारद या गोपी भाव प्राप्त। ऐसे सनातन चक्रवर्ती पाद टीका में लिखे नारद को इसकी संदर्भों में वैष्णव लोग भी गाते वास्तव में नारद भगवान के नित्य परिकर है और नित्य परिकर में नारद के स्वरूपगत जो स्वभाव और ये जो फॉर्म है उसे कहा जाता है नारद गोपी। यही जो है नारद गोपी और इसके पास इसके पश्चात जितने भी भगवत लीला में उन्होंने सहायता की वही नारद गोपी के प्रकाश रूप में माना जाता है। इसलिए नारद के स्वरूपगत जो है वो नारद गोपी ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखा है। देखो नारद ऋषि भगवान की सब समय सेवा आदि करते थे। कभी कभी हम लोग सुनते हैं ये नारद ऋषि भक्तों के साथ भगवान के साथ कलह है लगा देते हैं, किंतु वास्तव में सत्य नहीं है। यदि कलह जहां पर शास्त्र में कलह शब्द लिखा गया उसे कहा जाता है क्या प्रेमम विवर्धक कहा जाता है, प्रेम के और भी अधिक रूप में बढ़ाते हैं, युवा विशेष रूप में बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं और ये प्रेम कलह आदि के द्वारा समस्त प्रकार की ग्रंथि आदि जो है वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। इसलिए जहां जहां पर नारद के बारे में कलह आदि करना अथवा एक दूसरे के साथ झगड़ा व कलह लगा देना ये वास्तव ये क्या है प्रेम को वर्धित करना। देखो सप्तम त्रेता द्वापर कलि ये चार युगों में नारद ऋषि भगवान की सेवा कैसे आदि करते हैं, कोई मानसिक सेवा करते हैं, कोई शरीर के द्वारा सेवा करते हैं और कई वचन आदि के द्वारा सेवा करते हैं। सेवा कायिक वाचिक और मानसिक। नारद ऋषि उसी प्रकार भगवान की कैसे सेवा करते हैं, देखो कलयुग में महाप्रभु के लीला में जैसे शुरू करते हैं हम जहां पर कलयुग में महाप्रभु के लीला में नारद ऋषि साक्षात जो है श्रीवास पंडित के रूप में प्रकट और श्रीवास पंडित के रूप में आकर के क्या किया जे उन्होंने देखो सप्तत्रेता द्वापर में ब्रह्मचारी के रूप में रहे किंतु कलयुग में महाप्रभु के सेवा के लिए उन्होंने कौन सा आश्रम के शिकार किया गृहस्थ आश्रम के शिकार जो आत्मा ब्रह्मचारी और महाप्रभु के सेवा में उन्होंने
शिकार करके और कैसे महाप्रभु के सेवा आदि करते हैं, जिससे चैतन्य महाप्रभु सचिदानंद गौर हरि जो आप नवद्वीप धाम में विराजमान रहे नित्य भक्त चैतन्य महाप्रभु सचिदानंद गौर हरि नाम श्रीवास जी के गृह में जाते हैं और उनके गृह में जाकर के नाम संकीर्तन आदि करते हैं। देखो कितने सुंदर तुमने विचार दिखा, ये कोई कहते हैं ब्रह्मचर्य ज्यादा सेवा करते हैं, सन्यासी ज्यादा सेवा करते हैं, गृहस्थ कम करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, यही भजन सही भरो अभक्त छार कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि चार, जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। भजन के क्या कहते हैं, जाति कुल की विचार नहीं हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो अथवा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, यही भजन सही भरो अभक्त ही छार अभक्त जो है वो विचार माने बेकार। किंतु नारद ऋषि देखो गृहस्थ होकर के कैसे महाप्रभु के प्रति स्नेह प्रीति ममता आदि रखते, जिसके फलस्वरूप चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप लीला में श्रीवास्तव के अंगन में कैसे कीर्तन आदि करते हैं और श्रीवास्तव भी महाप्रभु के प्रति कैसे स्नेह ममता प्रीति आदि रखते, अनेक लीला है। मैं संक्षेप है, मैं थोड़ा थोड़ा करके बोल जाता हूँ। और देखो नाम संकीर्तन आदि करने लगे, एक समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास साहब के गृह में नाम संकीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय। परिवार के कोई भी मर जाए या कुछ हो जाए हम यहां से दूर हो जाए,
है, आप लोग छोड़कर के कहीं नहीं जा। इसलिए महाप्रभु सदा सर्वदा पांच पांच जगह में स्थान पर उसमें हमारे चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य वर्णन है श्रीवास अंगने चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा श्रीवास के गृह में शचिर गृह सदा सर्वदा शचिर के गृह में क्यों मां के छोड़कर के कहा जननी जमुश्च सर्गा मां के छोड़कर के कहा। इसलिए सचिर गृह श्रीवासे अंगने सचिर गृह नित्यानंद नाटकने जब नित्यानंद को नित्य करेंगे चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हो जाएंगे। और चौथा है अद्वैत जो अद्वैत आकाश उकाल मैं प्रकट हो और श्री राघवेन राघव पंडित महाप्रभु के इतने प्रिय थे और उनके बहन दमयंती थे कैसे महाप्रभु की सेवा आदि करते थे। इसलिए महाप्रभु सदा सर्वदा पांच जगह में विशेष करके जो है श्रीवास के गृह में कैसे रहते। एक बार जब महाप्रभु नाम संकीर्तन आदि कर रहे थे महाप्रभु के नाम संकीर्तन आदि जो भाग में प्रचार चला जैसे महाप्रभु कैसे नाम संकीर्तन आदि करते थे होकर के महाप्रभु जब नृत्य करते थे महाप्रभु के शरीर में अस्थि का महाप्रभु के गले के माला नीचे गिर जाता है और भक्त के चरण में लग जाता है। महाप्रभु है सिंधिया पड़े माला देखो इतने भाव में आविष्ट होकर के महाप्रभु नित्य आदि करते थे। और उस समय को एक श्रीवास जी के क्या बोले इसको सास है उन्होंने विचार करने लगे थे महाप्रभु की मैं एक नित्य दर्शन करना चाहती दो लीला कर रहा है चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में एक जो है वो दुलाहारी कलाहारी दुलाहारी जो व्यवहारी की कथा है और श्रीवास की साक्षी की कथा है दोनों कथा करी एक ही रंग है उसमें कहने लगे ये महाप्रभु के नाम संकीर्तन मैं देखना चाहता बचाती मन वो व्यवहारी और ये किंतु महाप्रभु के नियम था श्रीवास चक्र के गृह में जब दरवाजा बंद करके नाम संकीर्तन करते थे किसी के ये नहीं था अनुमति नहीं था प्रवेश करने इसलिए श्रीवास चक्र के बाद श्रीवास चक्र के चरण पकड़ करके कहने लगे मैं दर्शन करना चाहता हूँ श्रीवास चक्र के तो बार बार जब रगड़ देखा जब दिल दिल बिगड़ाने लगे और उसमें एक कोने में घर की एक कोने में थोड़ा बुरा आदि आच्छादित करके और नाम संकीर्तन करके संकीर्तन के समय हो गया महाप्रभु नाम संकीर्तन करने के कुछ समय के बाद महाप्रभु कहने लगे श्रीवास तुम्हारे घर में कोई भी आदि व्यक्ति आई है आज तेरा नाम संकीर्तन में उल्लास देखो उस समय श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ रोने लगे बोले प्रभु ये व्यवहार में के बाद दूध पीने वाले वो मेरे चरण में प्रार्थना की ये आपके नाम संकीर्तन दर्शन करें इसलिए बोले महाप्रभु ने उसको बुलाया महाप्रभु के बुलाया और महाप्रभु के कहने कहा आराधितो यदि हरि तपसा की अरे क्या सोच यदि हरि आराधितो यदि हरि तपसा की नारायण तो यदि हरि तपसा की अंतर वही यदि हरि तपसा की नंतर वही यदि हरि तपसा की पर ये तुम जो तपसा नहीं करते हो हम कभी क्रिश्चियन नहीं करते थोड़ा शब्द सार साक्षात बोलते कई जगह अनेक लोग अनेक प्रकार तपस्या आदि करते हैं कोई थोड़ा एक बार खाते हैं कोई भी है फलाहार करते हैं कोई पानी पी करते हैं कोई दूध पी करके जाते हैं यह जब भी शास्त्र में है कोई मुन्नो अवलंबन भी करते हैं मैंने बात नहीं ये भी एक प्रकार तपस्या ये सबसे बड़ी तपस्या है पानी पी करके आप थोड़ा पानी पियो आप दूध पी करके रहो ये तो किंतु बात नहीं करना ये सबसे बड़ी हमारे इतिहास इतना धूम्रपात है ना हाँ भाई छात्र तो कहा दिया कम से कम एक महीने पर चर्चा पर निंदा किंतु जहां पर सन्यासी ब्रह्मचर्य जी एक दूसरे मिलते रहते हैं ना वो कहीं नहीं कहीं हमारे इतिहास से लपक लपक कर निंदा करना शुरू कर दिया ये मौन व्रत करना ये इतने सहज में जो लोग मौन व्रत करते हैं उसके चरण पर चक्कर लगाओ भक्त भी सत्य है हाँ क्या जी हाँ एक भक्त भी एक मौन व्रत किया था अच्छी बात है किंतु हमारे भक्ति हम तो प्रभुपाद इस मौन व्रत के ऊपर भी कहा गया मौन रखना खाते हरि कथा ही मौन
आए? जो हरि कथा नहीं बोला, हरि नाम चेष्टा से नहीं किया, वो मून व्रति फल अपने ज्यादा प्राप्त नहीं, ज्यादा सरगम वो मुक्ति अथवा मुक्ति मुक्ति आदि के लेकर के वास्तव मून जो है भगवत कथा हरि कथा ही यथार्थ जो है मून। और जब उस समय महापुर ने श्लोक सुने
के है, कौन गर्व जो है, कौन सा अष्टम गर्व है बता। आप आठ दे दिए रसगुल्ला ले है, रसगुल्ला ले और एक एक करके रख लो है, ऐसे जो है चिंता करके सर्कल करके रख लो। इसे गिनो तो कौन सा एक है और कौन सा आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बता दे। इलाज से आगे इससे ध्यान से गिनो गिनो बड़े है, एक दो अच्छा बोलो कौन सा। देखो भगवान विष्णु वो बहुत चला है, हो सकता है पसंद करो उसके आठवा गर्व का दे और आठवा गर्व पसंद करे पहले का। इतने काम करो काम है, सबसे बड़े अच्छी बात है क्या सबको मारो ना रे मां मुझे है। देखो कि के सारे पुत्र में एक एक करो हां दूधे ये आपने अच्छा बताया। देखो इधर मेरे कहने की तात्पर्य है उधर कह रहे हैं है वृंदावन में नारद जी कह रहे हैं ये प्रभु आपका उद्धार करे कंस का वध करोगे आदर कंस के कह रहे हैं कंस है तुम्हारे अवतार विष्णु के कोई पता नहीं है कब आगे आ जाए है। इस प्रकार नारद जी की सेवा उसी प्रकार करते, इसी सेवा से ही भागवत की एक उत्कर्षता है, बहुत कुछ उसमें चिन्हे हुए हैं। नारद जी कभी ऐसे आप लगा दे नहीं है, नारद जी वास्तव जो है
पर मेहमान को मेरे सामने ठाकुर जी ने किया कि देखो सीधी हाथ पर है ना रुक्मिणी बैठी और रुक्मिणी के हाथ में दे दिया बाएं पर कौन बैठी थी अरे बाबा मनोभाव है ना बिल्कुल सांप के रीट में तोड़ देने से जैसे सांप के दिल छप्पड़ छप्पड़ देने मत 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 कर देने सद्भाव उसी प्रकार मत 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 कर देने हाँ सबके सामने सबके सामने में मेरा ऐसे रेजिस्ट कर दिया अरे तब तुम्हें कहा जो है तब तुम हमें तुम मेरा सबसे प्राण मिलेगा अब यही प्राण मिलेगा तुम्हें है हाँ और वृंदावन बिहारी नारद ऋषि मोरे भाई ये घर घर संसार के बाद है ये तुम्हारे पति पत्नी के घर संसार में साधु के क्या लेना देना है साधु के कोई घर से दिया पति पत्नी के झगड़ा हो ना है उसमें धर्म तो एक आम की गुठली जैसे तब तो वहां पर आम की गुठली हो जाए ना हाँ आम उसने तक पूरा पूरा ऐसे पी लेता है और उसको क्या मिले गुठली को क्या मिले बोले संत महात्मा ऐसे हमें क्या जरूरत है भाई तेरे दोनों शब्द मिल जाओगे Thank you.
करते, दोनों में क्या हो गया? बात हो गया, बलराम शादी कर लेते हैं, गंधर्व लोग ने शादी कर लिया, और देखो शादी करते अब वही बात सुनता रहे, सांस पर रहने लगे, और बाल बच्चा भी हो गया, भगवान का भी मन में विचार करने लगे, नारद के अवतार हो गया था, ये मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और माया में सुन देखो उस समय कहते थे भगवान ने कह दी मैं पराई और ऐसे कर दिया विषाद है वो आ गया था बाढ़ आ गई चारी तरफ पानी पानी की तरह होने लगे नारद ऋषि देखा क्या है उसके पुत्र एक तरफ जा रहे उसके बेटा उसके बेटी और उनके जितने भी सब जा रहे नारद ऋषि चिल्लाने लगे अरे हे कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो इसमें भगवान आकर के कहने लगे नारद पानी लाने के लिए मैं बता रहा था पानी का नाम लिया था हाँ इसमें हमें पता चला है देखो राम लीला की कथा में नारद ऋषि भी है दुर्गा जी की कथा समाप्त कर देता हूँ देखो राम लीला में भी ये कथा भी है रामायण में ये कथा बहुत प्रसिद्ध है तो मेरे को जब मन निकलो करते कि नहीं करते बोले देखो राम जी किस प्रकार अहंकार हो गया एक बार राम जी तप चली करने लगे बात राम भंग करने की करने लगे इतने समय के बाद I want to
भगवान विष्णु बोले अच्छा ठीक है जिससे तुम्हारे मंगल हो ऐसी मेरे पास आते हैं।
आप यूज कर रहे हो? अभी नहीं, मुझे दे के जाना कभी मेरा मोबाइल आपके साथ चला जाए वृंदावन लाओ दे दो पता चला आगे आगे वो जो कथा होगी ना उसमें अगर नेटवर्क चला गया तो तब जरूरत पड़ेगी तब भी ले दे दूंगी मैं कहाँ बैठी होंगी आप उस टाइम आप इशारा कर देना मैं भिजवा दूंगी इसका पैटर्न यू है यू हाँ हाँ पता मुझे Thank you.
मैं तो आगे पहुंच गई थी महाराज जी। ये ले लो, देखे कितने सुंदर महाराज जी दिखा रहे, कैसे सुंदर है बागीचा है। देखिए देखिए महाराज, देखो आपके साथ सब सुंदर सुंदर लग रहा है। नहीं नहीं, होकर के लोग देखो, बिजली वाला तार लगा, अभी आप लोग जो देख रहे हैं, हम आए हैं रत्नवेदी। अभी यहाँ पे हरि कथा होगी, आप सब लोग लाइव देखते रहिए। अभी हम आपको दर्शन कराएंगे रत्नवेदी सिंहासन का और चरण चिन्ह का। अभी महाराज जी हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अभी जा रहे हैं चरण पहाड़ी, जिसमें चरण चिन्ह है। फिर जाएंगे हम समतलैया, नहीं समतलैया नहीं, जाएंगे किलोलकुंडी, रत्नवेदी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।
कृष्ण हरि बोल। राधा कृष्ण प्राण अमर कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में इस स्थान पर हम लोग आए हुए हैं। पहले हम लोग कृष्ण के चरण चिन्ह दर्शन कर प्रणाम करके आए, फिर इधर जो बैठे हुए उधर उधर रत्न वेदी है, ये रत्न कुंड है। इस स्थान के महिमा के संबंध में सिद्धर भाई वर्णन करेंगे। और कल हम लोग का दर्शन है, सबसे पहले जाएंगे हम लोग भानुखोर भानुकुंड, फिर उधर से चल करके सागरीखोर, सागरीखोर को पार करके चिकसौली, चिकसौली के बाद दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ मोरकुठी, वहीं पर आप सबको कलेवा प्रसाद दिया जाएगा, सुबह का प्रसाद दिया जाएगा। उसके बाद श्री जी मंदिर उधर बैठ के कीर्तन या प्रवचन करने नहीं देते, उसके नीचे हम लोग आके हर साल जैसे कच्छे करेंगे। जाने पर ब्राह्मण लोग उधर के तरफ धूप दीप लेके आ जाते हैं, पैसा उधर किसी को ही नहीं देना है, और हमारे पंडा के हम लोग देंगे, हम आप लेके हम लोग लेकर के फिर पंडा को देंगे, और बिना पंडा से दर्शन आसान भी नहीं है। फिर उधर होकर हम चले जाएंगे ऊंचा गाँव पीली पोखर ऊंचा गाँव, फिर हम लोग जाएंगे संकेत एवं प्रेम सरोवर होके मठ में आके प्रसाद पाएंगे। और हम लोग को इधर रहते सुंदर रूप में सब परिक्रमा सुसंपन्न हुआ, इसलिए शाम को सब लोग गोवर्धन पांडा के लिए कुछ कुछ देंगे, हम लोग शाम को लेंगे सबके लिए। हरे कृष्ण नरसिंहर महाराज। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भजामि राधाङ्गमरबिन्दनेत्रां स्मरामि राधाङ्गमधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम न्यास्य गतिर्न क्वापि। प्रमदमदनलीला कन्दरे कन्दरते रचयति नवजोनद्वन्द्वमस्मिन् मन्दम् एतत्कीलकलनार्थलग्नकस्त्वयर्मे निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री गिरिराज तलहटी को दर्शन करते करते अभी हम जहाँ पर पहुँचे हैं, ये गिरिराज की तलहटी, और जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नवजोन द्वंद्वमस्मि निमन्त्रम। कृष्णा ये गिरिराज की कंदरा कंदरा में और इनके कुंजों कुंजों में बड़े मधुर मधुर और बड़े श्रृंगार रसात्मक उन्होंने लीला की है। यहाँ पर ठाकुर जी की बहुत सारी लीला है, इसलिए गिरिराज गोवर्धन को राधा रानी क्या कहती हैं, हंताय अद्री अबला हरिदास वर्ज। ये हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज गोवर्धन, इसलिए हमारे जितने गोस्वामी वर्ग हैं ये सब के सब गिरिराज तलहटी में आश्रय मांगे हैं। अभी जैसे नारद कुंड दर्शन करके आए, ये नारद कुंड कहाँ से आ गया, कि नारद जी यहाँ पर क्यों आए, इसलिए कारण है कवि श्री नारद जी शंकर जी से उन्होंने अष्टकालीय लीलाओं को श्रवण किया। अष्ट जाम में कैसे कृष्णा मधुर मधुर लीला कैसे करते हैं, अभी अष्टकालीय लीला सुन करके नारद जी के मन में बड़ा लोभ हुई, मैं भी राधा कृष्ण का अष्टजाम लीलाओं में मैं भी प्रवेश करते हुए राधा रानी की गण में गणित होकर के मैं भी जुगल किशोर की सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन जब शंकर जी से पूछे, बोले ये लीला रस में जीव का प्रवेश कैसे होगा, बोले प्रवेश हो सकता है
तुमको श्री वृंदा देवी के अनुगत करना पड़ेगा, क्योंकि जो वृंदा देवी है एक जोग माया और एक वृंदा देवी। जोग माया क्या करती है, कृष्ण की समस्त लीला सारे लीलाओं को पुष्टि करने वाली ये जोग माया। जोग माया के बगैर कृष्ण का कोई भी लीला असंभव है। इसलिए लेकिन जो कृष्ण की विशेष करके जो श्रृंगार लीला है, उनका जो मधुर लीला है, गोपियों और राधा रानी के साथ में जो लीला करते हैं उसमें विशेष करके श्री वृंदा देवी की उसमें अधिकार है। इसलिए जब तक वृंदा देवी के अनुगत्य नहीं करोगे वो लीला में प्रवेश नहीं हो सकता है। तब उन्होंने श्री वृंदा देवी को पास में गए। जब वृंदा जी को पास में गए बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या उपाय है, बोले जब तक श्री गिरिराज का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे तब तक ये लीला रस में प्रवेश तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए श्री नारद जी हैं, उन्होंने यहीं पर आकर के गिरिराज को तलेट में गिरिराज को चरणों को आश्रय ग्रहण करते हुए यहीं पर नारद जी कठोर उन्होंने तपस्या की उनके श्रृंगार रस में प्रवेश करने के लिए। इसलिए गुरुदेव कहते यहीं पर ही उन्होंने श्री कयाधु को जिस समय पकड़ करके इंद्र ले जा रहा था, नारद उनको छुड़ा करके उन्होंने यहीं पर लाए और उन्होंने यहीं पर उनको कयाधु को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने 60,000 साल तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और यहीं पर उन्होंने कयाधु कथा सुनाते रहे और गर्भ में श्री नारद जी बैठ करके सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने स्फूर्ति उन्होंने सारे तत्व ज्ञान को प्राप्त किया और उसी तत्व ज्ञान को उन्होंने बच्चों को बड़े सुंदर रूप में कौमार आचरित प्राज्ञम धर्मान भागवतानि दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदप अध्रुवम अर्धदम। इसलिए हे बच्चों भगवान की भक्ति हमें कुमार वयस से 5 साल उम्र से हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। जब उन्होंने सुंदर सुंदर उन्होंने उपदेश दिए, अद्भुत उन्होंने उपदेश दिए, जिस उपदेश को सुन करके जो राक्षस के जो बालक थे उनका मन भी कृष्ण भक्ति में परिणत हो गया, ऐसे इतना सुंदर उपदेश है, हैं? उन्होंने कहां से प्राप्त किया था, बोले श्री नारद से यहीं पर ही उन्होंने प्राप्त किया था। बच्चों ने पूछा प्रहलाद हम तो एक गुरु जी को पास में पढ़ते हैं, हमारी गुरु जी ये संधा अमर को तो इसे बात पढ़ाई नहीं, तेरे को कहां से इसे विद्या मिले। बोले वो संधा अमर के ना, संधा मतलब क्या सांड, अमर का मतलब तो बंदर, ये बंदर और सार क्या उपदेश देंगे। इसका मतलब है जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति छोड़ करके जो टीचर और कोई अर्थ कमाई का विद्या पढ़ाते हैं, धर्म अर्थ काम की विद्या पढ़ाते हैं, कैसे पैसा रोजगार करो, कहते वो सार और सबके सब बंदर है, सबके सब ये गुरु नहीं है। हमारे गुरु तो श्री नारद जी जब मातृ गर्भ में था उसी समय में गुरु जी ने यहीं पर गिरिराज तलहट में ही नारद जी ने दिव्य ज्ञान उन्होंने श्री प्रहलाद को प्रदान की और प्रहलाद ने उसी ज्ञान को उन्होंने बच्चों को वो दिव्य ज्ञान को प्रदान किया। इसलिए इसी दृष्टिकोण से और जितने हमारे सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी सबके सब गिरिराज की तलहट में सबके सब आश्रय के लिए उन्होंने प्रार्थना की। और हम लोग यहाँ आते समय वहां पर एक दर्शन किया, ठाकुर जी का चरण चिन्ह दर्शन किया और कटोरा भी दर्शन किया है। यहीं पर ही कृष्ण गोचारण करते करते जब उन्होंने बंसी ध्वनि उन्होंने की जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं रुंधन भुप्रीत चमत्कीर कृत परम, क्या कृष्ण बंसी ध्वनि की क्या चमत्कारिता, जिसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं त्रिजगत मानस कर्षि मुरली कलकुजित। जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते थे बंसी ध्वनि सुन करके बोले तेज बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गम वृषा, जिन्हें बंसी ध्वनि को सुन करके चंद्रमा जहाँ के तहाँ टकटक लगा करके हैं, जहाँ पर चंद्र सरोवर में ब्रह्मा का एक रात तक जहाँ पर चंद्रमा रुक गई हैं, कहते जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन बंसी ध्वनि सुन करके ये द्रवीभूत हो जाते हैं और कृष्ण का चरण चिन्ह यूं की त्यों कृष्ण का चरण चिन्ह रह जाती हैं और पारी मतलब होता है पानी, पानी जैसे ऐसे बहती हैं कृष्ण ध्वनि सुनते ही पानी उल्टी बहने लग जाती हैं और सुंदर सुंदर कमल पुष्प को लेकर के ये क्या करती कृष्ण चरण में उपहार प्रदान करती हैं। इसलिए वहाँ कृष्ण की वहाँ पर चरण चिन्ह हम लोगों ने दर्शन किया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये रत्न कुटी बा ये श्याम तलैया कदी जो श्याम तलैया किस समय कृष्ण और वो तो ग्वाल पोखर ना और ग्वाल पोखर है ये श्याम तलैया वाले रत्न कुंड भी श्याम तलैया इसे दोनों ही इसलिए यहाँ के जो हाँ इसका नाम श्याम तलैया भी इसका नाम रत्न कुंड रत्न कुंड मतलब क्या है जहां से ब्रज गोपियां सुंदर सुंदर रत्न को लेकर के सुंदर सुंदर माला बना करके श्याम सुंदर को पहनाया करते थे इसलिए इसका नाम रत्न कुंड ये जो ब्रज है ना कहते के बापा वे वाके पार प्रेम न दिया की सदा उल्टी बहना इसलिए ये जो ब्रज है ये साधारण भूमि नहीं इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृतद सुरभि रवि पाल यंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सिंबमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामी वृंदावन धाम दीप अपराकृत है अब जिस वृक्षों को नीचे बैठे हैं ना वो देख रहे हो वो कौन सा वृक्ष है कहते ये मुक्ता वृक्ष है मुक्ता कहाँ होता है समुद्र में सीप का अंदर में होता है लेकिन यहाँ पर ऐसे दिव्य वृक्ष है यहाँ पर ये चारों तरफ में जितने वृक्ष है वो सबके सब ये मुक्ता वृक्ष है बोले ये मुक्ता वृक्ष कहाँ से आ गए हैं बोले एक समय दीपावली में गोपियों ने सुंदर सुंदर मुक्ता की माला बना रही थी इतने में कृष्ण भी गोपियों के पास में गए बोले गोपियां मुझे भी थोड़ा मुक्ता दोगे हैं मेरे भी एक हिरण है एक मयूर है उनको भी मैं मुक्ता की हार पहनाना चाहता हूँ गोपियों ने गाय बछड़े को सींग में पहनाना चाहता हूँ इतने में गोपियों ने कहा मुक्ता मुक्ता तो राजा लोग रानी लोग व्यवहार कर तू कहाँ गई आपको पीछे पीछे डोलने वाले तेरे को मुक्ता की क्या भैया पता तू मुक्ता लेकर क्या करोगे उनके पास में जो टूटी फूटी हुई मुक्ता ना बोले ले ले ये मुक्ता ले ले कृष्ण को तो उन्होंने खिली उड़ाए कृष्ण ने कहा क्या मैंने एक दो मुक्ता मांगा मेरे अपना बछड़े सखन गौए के लिए और टूटी फूटी हुई मुक्ता को मेरे को दे रहे कि तू गैया चराने वाले अभी तुमको मजा चखाता हूँ इतने में कृष्ण अपना घर में गए जाकर बोले मैया मैया मेरे को थोड़ा मुक्ता दोगे बोले लाला मुक्ता क्या करोगे बोले मैया मैं पेड़ लगा बोले मुक्ता पेड़ लगाते हैं मुक्ता होता है समुद्र में पेड़ से मुक्ता होता है बोले हाँ मैया मेरे को दे मैया तो दी नहीं लेकिन कृष्ण ने क्या किया उन्होंने चोरी करके मैया जब चली गई वहां से मुक्ता लेकर के यमुना किनारे में गए और उन्होंने जैसे खेती करते हैं ना ऐसे ही कृष्ण उन्होंने खेती किया जब खेती की ना गोपियों ने तो खिली उड़ाई पागल मुक्ता होता है सीप में समुद्र में और ये पेड़ लगा रहे यहाँ से पेड़ होता है जमीन में लगा रहे इतने में कृष्ण गोपियों को दिखा करके ना उन्होंने दूध डाले है जब दूध डाले गोपियां तो खिली उड़ा रही थी लेकिन कृष्ण कौन है कृष्ण कौन है बोले दुर्घट घटना विधात्री वो है को नहीं और नहीं को ये है कर सकते हैं भगवान है सचमुच से जो वृक्ष उठाना वृक्ष हुई इतने सुंदर वृक्ष हुआ और उसमें बोले आठ तरह का मुक्ता है लेकिन इसमें जो मुक्ता फल हुई आठ तरह से अलग तरह का मुक्ता हुई अद्भुत मुक्ता उसका फूल जब आई इतने सुंदर खुशबू चारी तरफ में उसको सुगंध फैल गई और कृष्ण ने किया कि चारी तरफ में बाढ़ बांध दिए बोले गोपियां चोरी करेंगे इसलिए उनको चोरी करने नहीं दूंगा इतने में चारी तरफ में बाढ़ लगा दिए गोपियां देख करके बोले बाबा रे बाबा रे बाब ये क्या जमीनी से मुक्ता ये आश्चर्य बात है गोपियां तो दंग रह गई बोले हम भी मुक्ता पेड़ लगाएंगे उन लोगों ने क्या क्या पतियों को बोले नहीं और बोले मुक्ता होगा फिर हम रख ही लेंगे इसलिए पतियों को बिना बोले चुरा चुरा करके मुक्ता लाए और वो भी जमीन में गाड़े लेकिन कृष्ण ने दूध डाला था ना हम इसमें ये मक्खन डालेंगे हमारी पेड़ क्या होगा हमारी पेड़ बड़ा सुंदर वृक्ष होगा इसलिए कृष्ण को दिखा बोले तुमने दूध डाले हमने मक्खन देंगे हाँ गोपियों ने मक्खन दिए लेकिन जब दिए इतने में कृष्ण कौन कृष्ण तो भगवान है वो तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उन्होंने कृष्ण को दिखा करके बाद कृष्ण को निगलेक्ट करने के लिए उन्होंने लगाया लेकिन वो मुक्ता की पेड़ किया वहां पर बबलू का पेड़ किया इसलिए कहते वहां पर जो वृक्ष हुई ना सबके सब कांटा वृक्ष हुई और ऐसे कांटा वृक्ष जब हुई बोले हे भगवान हम तो पतियों को बिना बोले छुपा छुपा करके लाए बोले मुक्ता होगा तो हम सबके सब लेकर के
हम दे देंगे, लेकिन तो सारे तो सारे पति से बहावा लूटने वाली थी, पति से बहावा लूटने वाली थी, लेकिन तो सारे तो सारे खत्म हो गया, नष्ट मुक्ता ही नष्ट हो गया। अभी पति लोग क्या बोलेंगे, हैं पति लोग क्या बोलेंगे, अभी तो डर गई, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। पतियों को तो पता नहीं, पता चलेगा तो डंडा के नीचे नहीं पीठ पर पड़ेगा तो डंडा, हैं मुक्ताओं को हम लोगों ने नष्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे, अभी बोले भैया अभी मुक्ता कृष्ण के पास में सोना चांदी लेकर के उसको विनिमय में हम मुक्ता खरीदी करेंगे, लेकिन जाएगा तो जाएगा कौन, क्योंकि कृष्ण जो मुक्ता मांगे थे उनको टूटे फूटे हुए मुक्ता दिखाया और उनको खिली उड़ाया था। अभी जाएगा तो जाएगा कौन, इतने में कौन जाएगा, बोले तू जा, बोले मैं क्यों जाऊंगा, तू जा, अभी तू जा, अभी कोई भी, अभी कोई भी जाने के लिए तैयारी नहीं। फिर तो कृष्ण के पास में जा करके प्रार्थना की, फिर सखाओ ने बड़ी खिली उड़ाई, बाद में फिर मुक्ता दिया। इसलिए कभी अगर ये मुक्ता अभी पहला अवस्था है, लेकिन आप लोग देखे होंगे जैसे मुक्ता का रंग है कोई, लेकिन अद्भुत है, एक वृक्ष में एक तरह का ही फल होता है, दो रंग का नहीं हो सकता। कभी देखे एक पेड़ में दो तरह का रंग का कोई फल होता ही नहीं। अब एक वृक्ष को देखोगे पीला रंग का भी आएगा, लाल रंग का भी आएगा, हल्दी रंग का भी आएगा और ये नीला रंग भी आएगा। देखो एक वृक्ष में आप देखोगे अलग अलग तरह तरह का यहाँ पर मुक्ता फल होता है यहाँ पर। इसलिए श्री कवि कर्णपुर वर्णना करते हैं आनंद वृंदावन चंपू में, श्री गिरिराज तलेटी में कहते एक वृक्ष में हर तरह का फूल की प्राप्ति होती है, जूई बेली चमेली केतली, एक वृक्ष में हर तरह का फल उपलब्ध है, चीकू मिलेगा, पपीता मिलेगा, केला मिलेगा, अगर यहाँ हमें मिल जाए ना आनंद ही आनंद आ जाएगा। इसलिए एक वृक्ष में, और एक वृक्ष में हर तरह का पत्ते भी, हर रंग का पत्ते भी एक वृक्ष का मिलेगा। अद्भुत रूप में ये वृंदा देवी कृष्ण सेवा के लिए यहाँ प्रकट करती है। और आप लोग जहाँ पर बैठे हो इसका नाम रत्न बेदी है, यही पर श्री गिरिराज गोवर्धन राधा कृष्ण की सेवा के लिए रत्न बेदियों को भी प्रकट कर देती है। और यही पर श्याम सुंदर राधा रानी को बैठा करके राधा रानी जो वृंदावनेश्वरी स्थापन की, बोले किस समय, बोले एक समय जिस समय कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण किया, 7 दिन 7 रात तक कनिष्ठ अंगुल पर गिरिराज गोवर्धन धारण किया। जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन धारण की प्रज में तो जयजयकार हो गया, बोले बाबारे 7 साल 2 महीना का बच्चा और उन्होंने 7 क्रोश गिरिराज और 7 साल तक और कनिष्ठ अंगुल नहीं नाखों को ऊपर में धारण कर दिया, पूरा ब्रज मंडल में बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, आनंद नहीं आया कोई जय कोई हे बोल गए हो, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। अभी ये पूरा ब्रज मंडल में कृष्ण का नाम गूंज उठा, जहां जाओगे बोले बाबा रे कृष्ण इतने बड़े गिरिराज को उठाया। जब ब्रज मंडल पूरा हल्ला हो गई ना, धीरे धीरे ये जो खबर श्री किशोर जी की कान में पड़ा, किशोर जी की कान में पड़ा तो किशोरी श्री जाती है पौर्णवासी के पास में, बोले पौर्णवासी में क्या सुन रहे हो, बोले क्या सुन रहे हो, बोले सारा दुनिया में क्या कृष्ण की जय जयकार हो रहा है, कृष्ण राजा जो जय नहीं देगा उनको दोपहर का गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, जोर से जय दो। अभी कृष्ण का जय दिया था ना, अभी कृष्ण का नहीं राधा रानी का जय देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पौर्णवासी को पास में कहा, पौर्णवासी में क्या सुन रहे हो, पूरा ब्रजमंडल में कृष्ण का जय जयकार हो रहा है, बोल रहे कृष्ण राजा, लेकिन सारा दुनिया जानती है राधा रानी, राधा रानी, कोई नहीं कहते कृष्ण राजा, कोई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते, राधा रानी वृंदावनेश्वरी। कौन है श्री वृंदावनेश्वरी, श्रीमती राधा रानी। इसलिए वृंदावन में आओ तो इसलिए कोई कृष्ण का कोई भी नाम नहीं लेते, किसका नाम लेते हैं, अरे जोर बोलोगे तो गुलाब जामुन मिलेगा, बोले श्रीमती राधा रानी। अभी इन्होंने बोले तो वृंदावनेश्वरी मैं हूँ, राधा रानी मैं हूँ, लेकिन कृष्ण का कैसे जय जयकार हो सकता, बोले वर्णवास, बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, वृंदावनेश्वरी तो तुम हो, इसलिए क्या किया जाए, बोले आक्रमण करो कृष्ण के ऊपर में। राधा रानी यहीं पर आकर के अपना सखियों को बोले जाओ हैं, राधा रानी को रत्न बेदी के ऊपर में यहाँ पर सुंदर रूप में रत्न सिंहासन को बना करके राधा रानी को यहीं पर बैठा दिए। और ललिता विशाखा आदि सखी कोई छत्र कोई चामर कोई बेजन लेकर के राधा रानी को
पंखा झुला रहे थे राधा रानी का सर गोबर में यहाँ पर छतरी धारण करके। इतने में सखियां जा करके कृष्ण कृष्ण सखा गोबर में अटैक किया, उनको आक्रमण किया, आक्रमण करके उनको बंदी बनाया सबको। किसको बंदी बनाया? मधुमंगल को। मधुमंगल को, कृष्ण को सखा उन्होंने उन्होंने बंदी बनाया। बोले बंदी किस में, किस कैसे बनाए? बोले भगवान को तो कोई बंदी बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान को प्रेम की प्रेम को द्वारा बंदी बना सकते हो। उन्होंने फूलों की माला से श्री श्याम सुंदर को बंदी बनाया और राधा श्याम सुंदर को लेकर के श्री राधा रानी को पास में आए। जब राधा रानी को पास में आए, अभी राधा रानी देख करके शर्मा गई। राधा रानी रत्न वेदी में बैठी हुई थी, राधा रानी खड़ी हो गई। फिर श्री राधा और कृष्ण को ये रत्न वेदी के ऊपर बैठाए। बैठा करके कभी कृष्ण एक छत्रवन नाम सुने होंगे, जहां पर कृष्ण स्वयं राधा रानी के सर के ऊपर में छत्री धारण करते हुए अपना हाथों से कि किशोर जी की उन्होंने अभिषेक किया, अभिषेक करके उन्होंने स्वयं प्रचार किया। आज इस जो वृंदावनेश्वरी है वो कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण स्वयं ये बात को उद्घोषित किया। और इसलिए ब्रज में जो आते हैं, कृष्ण ने बोले मेरे नाम बोलने का जरूरत नहीं। इसलिए ब्रज का गांव गांव में जाओ, वृंदावन वन में जाओ, किसके नाम सब जय ध्वनि देते हैं? किसके नाम की? राधे। जोर से बोलो रानी की। इसलिए क्योंकि राधा जी के नाम से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। बोले प्रसन्न क्यों होते? कारण क्या है? बोले कारण है, बोले राधा रानी की चरण को जो आश्रय करते हैं, राधिका चरण आश्रय जकर से महाशय है। इसलिए राधा जी की चरण आश्रय करने से कृष्ण अपने आप उनको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये रत्न वेदी इसका नाम है। इसको जो देखा ये श्याम तलैया, श्याम तलैया नाम क्यों पड़ा? बोले एक समय जैसे गोपियां ब्रज गोपियां आपस आपस में लुको चोरी खेल रहे थे। कभी लुको चोरी में कभी कृष्ण चोर बनते हैं और कभी श्री किशोर जी चोर बनती हैं। बनने पर इतने में राधा रानी की आंखों को सखियों ने बंद किया। बंद किया तो इतने में कृष्ण जाकर के एक कुंज में कृष्ण जाकर छुप गए। जब छुप गए पूर्णवास ने इतना सुंदर उनने कुंज बनाया, किसी कुंजक राम एकदम हरित वर्ण, किसी कुंजक राम एकदम नील वर्ण, किसी कुंजक राम एकदम लाल वर्ण, सफेद वर्ण। लेकिन अद्भुत कौन ऐसे कुंज है जो कुंज केवल फूल फूल से बनी हुई, ऐसे कुंज है केवल पत्ते पत्ते से बने हुए हैं, कभी इसी जगत में असंभव है। वो तो गोलोक वृंदावन में ये असंभव है, जहाँ पर चार कदम का पेड़ बा तमाल का पेड़, जहाँ पर बेली चमेली मालती सुंदर सुंदर जहाँ पर लता चढ़ा हुआ हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर पुष्प से जहाँ पर कुंज बना हुआ हो। और ऐसे कुंज हैं जिस कुंज में अगर श्री किशोर जी प्रवेश कर जाए ना, किशोर जी की राधा जी के रंग को साथ में वो जो कुंज का रंग बराबर हो जाएगा। अगर आप यही खड़े हो ना, वो देख भी नहीं सकते वहां पर क्या हो रहा है। अद्भुत है, इसी जगत में असंभव है। जब कृष्ण भी किसी कुंज में प्रवेश करते हैं, वो कुंज का रंग कृष्ण का रंग एक ही हो जाता है। आप यही खड़े होकर देख नहीं सकते वहां क्या हो रही। इसलिए श्याम तलैया कभी श्याम सुंदर श्याम रूप धारण करते हुए कुंज में कभी प्रवेश किया। जब प्रवेश किया इतने में श्री किशोर जी आई, आकर के ढूंढे श्याम सुंदर कहां है, श्याम सुंदर कहां है। इतने में देखा कृष्ण तो वहीं पर है लेकिन उनको दर्शन नहीं हो रहा है। इतने में श्री राधा रानी बोली, हे श्याम सुंदर मैं हार गई हूँ, आप प्रकट हो जाओ। अब कहां पर है? फिर वो प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे करते हैं, अभी कभी कभी राधा रानी कभी चोर बनती है। राधा रानी जब चोर बनती श्याम सुंदर जाकर प्रवेश करते हैं, बस श्याम सुंदर जब चोर बनते हैं राधा रानी जाकर के प्रवेश कुंज में छुपती है। कभी श्याम सुंदर बने चोर। जब आप लोगों ने बचपन में खेले हो लुको चोरी? हाँ, कौन कौन खेले हो? सब खेले, सबके सब खेले हो। देखना जब लुको चोरी खेलते हैं, ये आंखों को ऐसे बंद करते हैं, बंद करते ना आंखों को, वो जाकर के दूर में जाकर के छुप कर कुहू बोल करके शब्द करते हैं। लेकिन ये जो सखियां का काम किया है, सखियों का काम है जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे लली राधे सखी। इनका काम है कैसे श्री जुगल सरकार को कैसे मिलन कराएंगे। उन्होंने श्री राधा रानी का उन्होंने श्याम सुंदर को तो आंख को बंद किए, अब मेरे तरफ में देखो कैसे बंद किए। सब सब दिख रहा था कृष्ण को, सब कैसे दिख रहा था, क्योंकि गोपी मंजरी का क्या काम है, कैसे जुगल मिलन कराएंगे।
इसलिए जुगल मिलन में क्या होता है, रूप गोस्वामी कहते हैं स्पृशति यदि मुकुंदम तब सखीना, स्पृशति यदि मुकुंदम तत् सखीना, जब श्याम सुंदर स्पर्श करते हैं राधा रानी को, बाकी किसी गोपियों को जब स्पर्श करते हैं, स्पर्श तो करते हैं राधा रानी को, लेकिन भवति श्वेत कंप अश्रु किसको शरीर में प्रकट होता है, ये प्रकट होता है राधा जी के शरीर में, जो जो चिन्ह प्रकाशित होता है वो सारे चिन्ह ये मंजरी और गोपियों के अंदर में अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए जो आनंद प्राप्त होता है श्री राधा रानी को, वो सारे आनंद प्राप्त होता है ये गोपियों को, मंजरियों को सारे आनंद प्राप्त होता है, बल्कि उससे ज्यादा। इसलिए रूप गोस्वामी पद्यावली ग्रंथ में वहां वर्णना करते हैं कृष्ण को जितने आनंद प्राप्त होता है उससे करोड़ों गुण राधा रानी को, राधा रानी को जो आनंद प्राप्त होता है राधा कृष्ण को, सारे आनंद ललिता विशाखा को प्राप्त होता है, उनको जो आनंद प्राप्त होता है उससे ज्यादा आनंद प्राप्त है रूप मंजरी को, उनको जितना आनंद प्राप्त होता है ये सारे आनंद प्राप्त होता है श्री रति मंजरी को, उनको धीरे धीरे कमल मंजरी, ऐसे ही श्री प्रभुपाद श्री नयनमणि मंजरी, फिर विनोद मंजरी, फिर श्री रमण मंजरी। रमण मंजरी कौन है, कौन है बोलो, हमारे श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। इसलिए वो सारे भाव धीरे धीरे जितने नीचे आता है ना, वो आनंद और ज्यादा से ज्यादा कोटि कोटि गुणा आनंद प्राप्त होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी कभी कभी ये मंजरी रस में महाप्रभु स्वयं विभावित होते हैं। महाप्रभु जिस समय समुद्र में कूद पड़े, जिस समय जेली की चाल में निकले, जब भक्त लोगों ने कीर्तन किया, महाप्रभु का जब ज्ञान आया, महाप्रभु क्या कहते हैं, मेरे को तुम लोगों ने क्यों बुलाया, मैं तो राधा कुंड श्याम कुंड में वहीं पर हम लीला विलास हम वहीं कर रहे थे, वहीं पर हम सेवा रस को आस्वादन कर रहे थे। मतलब महाप्रभु कभी कभी इसी मंजरी भाव में महाप्रभु भी विभावित होते थे हैं। इसलिए यहाँ पर जिस समय सखियों ने आंख बंद किया नहीं, ऐसे ऐसे कर दिया, इतने में जब राधा रानी कुंज में प्रवेश की, वो कुंज का रंग और राधा जी का रंग एक बन गया। जब एक बन गया इतने में कृष्ण गए, क्योंकि देख लिया ना इसी कुंज में कृष्ण गए। जब गए लेकिन अद्भुत है वृंदा देवी की करामती, कृष्ण वहीं पर लेकिन श्याम सुंदर देख नहीं पा रहे, लेकिन वो लोग जो है वो शब्द सब देख रहे हैं, ये अद्भुत एक करामती है, वो देख रहे लेकिन आप देख नहीं सकते हो। इतने में राधा रानी सखियों ने देख लिया श्याम सुंदर आ गए, हमें पकड़ नहीं ले। इतने में राधा रानी एक कुंज से जब दूसरे कुंज जा रही थी, राधा रानी की चरण में नुपुर बंद, सब पहले माताएं नुपुर पहना करती थी, जब राधा रानी एक कुंज से दूसरे कुंज जा रही थी ना, नुपुर का छम 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 आवाज हो रही थी, लेकिन कृष्ण को तो दिख नहीं रहा है। कृष्ण ने सोचा ये नुपुर तो चल नहीं रहा, ये कुंज तो चल नहीं रहा है, चल रहे राधा रानी लेकिन कुंज तो चल नहीं रही, ये झनझन आवाज कहां से आ रहे, छम छम आवाज, वो समझ गए कृष्ण राधा रानी यहीं पर। इतने में गोपियां मंजरियां तो जल्दी जल्दी एक कुंज से दूसरे कुंज चली गई, लेकिन राधा रानी का जो चाल है ना गजगमनी, इसलिए स्त्रियों का चाल भी अलग अलग है, कहते किसका हंस चाल है, किसकी हाथी चाल है, किसकी घोड़ा चाल भी है घोड़े की चाल है। इसलिए कहते स्त्रियों का जो सबसे बढ़िया चाल है, कहते हाथी, देखे हाथी आप लोग ने, हाथी जैसे तो मचलते हुए और हाथी जैसे मस्ती से चलती है, एक स्त्रियों का चाल एक हस्त गजगमनी, उनको गजगमनी, राधा रानी का चाल गजगमनी, हाथी जैसे चाल, लेकिन राधा रानी तो जल्दी नहीं जा पा रहे थे, पीछे पड़ गई। इतने में कृष्ण ऐसे ऐसे हाथ करते करते राधा रानी के हाथ में श्री किशोर जी राधा रानी आ गई, फिर तो राधा रानी, इसलिए ये कहते यहाँ पर रत्न कुंड से कभी कभी रत्न को प्राप्त करते थे, कभी यहाँ कुंज में, कभी कभी राधा श्याम सुंदर कभी इसमें लीला विलास इसमें करते थे। यहीं पर ही ये ग्वाल पोखर है, यहीं पर ही कृष्ण सखाओं को साथ में हैं, यहीं पर कृष्ण जब राधा रानी नंद भवन में जाती थी श्याम सुंदर के लिए रसोई बनाने के लिए, जब नंद भवन श्याम सुंदर के लिए उन्होंने सुंदर सुंदर पकवान बना करके जब राधा रानी चापट जाती थी, इतने में राधा रानी चलते समय श्री श्याम सुंदर भी राधा रानी को दर्शन करती थी, और इतने में श्री श्याम सुंदर राधा रानी की मान रूपी जो मीन को कृष्ण अपना जाल रूपी फांद में राधा रानी के मन प्राण को लेकर के श्याम सुंदर चले जाते थे, और राधा रानी कृष्ण विरह में दुखी हो जाती थी, कृष्ण अपना आंखों के इशारा से श्री राधा जी को बोलते थे, हे राधे कोई चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी फिर तुम्हारे साथ में सूर्य कुंड में मिलूंगा,
इसलिए फिर राधा रानी घर में जाकर के सूर्य पूजा की बहाना से आती थी और यहीं पर श्याम सुंदर आते थे। जब श्याम सुंदर यहीं पर आती थी, श्री राधा रानी श्याम सुंदर के लिए तीन चीज भेजती थी, एक तो हाथों में बनाया हुआ फूलों की माला, दो चंपक पुष्प, क्योंकि जो चंपक पुष्प का जो रंग है और राधा जी का रंग बराबर, और एक राधा जी के हाथ के बनाया हुआ एक पान की सुंदर बिड़िया, और श्याम सुंदर को जो वृंदा देवी ये तीन चीज देती थी यहीं पर, श्याम सुंदर राधा जी के हाथ की पान की बिड़िया, क्या सुगंध। अब लोग तो पान की बिड़िया कभी खाए नहीं, उसमें तरह तरह का मसाला, हम लोग बचपन में हमारे देश में बहुत चलता है पान, इसलिए उसमें पान की बहुत मसाला तरह तरह का होता है, एक पान खाना उसका सुगंध से या बड़े दूर तक उसको जाता था, पता चल जाएगा भैया कहीं पान खा रहे हैं, इसलिए पान की बिड़िया और सुंदर चंपक पुष्प राधा जी पुष्प दे करके राधा जी का उद्दीपना और सुंदर माला राधा जी की पहन करके कृष्ण मतवाला यहीं पर हो जाते थे, और यहीं से उन्होंने श्री राधा रानी से मिलने के लिए यहीं से चले जाते थे, कहां पर, सूर्य कुंड में, वहीं पर कल महाराज बता रहे थे ना, वहीं पर सूर्य पूजा करके वहां से सुंदर सुंदर लड्डुओं को लेकर के कृष्ण कहां आते थे, यहीं पर आते थे, जब यहीं पर आते थे यहीं पर बैठ करके सखा लोग यहीं पर जो लड्डू लाते थे कितना छले भले लड्डू खाए श्री माधो मंगल बगल बजाए यार ले हरि बोल भजबा करते हैं। श्री राधा रानी विशेष करके मनोहर लड्डू बनाती थी, ये स्पेशल है, जैसे हम खाने का बाद में हम मीठा खाते हैं ना, उसी तरह कृष्ण जब सब प्रसाद पा लेते थे उसको बाद में लास्ट में ये लड्डू खाते थे, और राधा रानी जब नंद भवन में ये लड्डू बनाया करती थी, राधा रानी कितने कोमल अंग है, उदाहरण देते हैं चंद्रमा का किरण भी जिनकी शरीर को ताप देती है, इतने कोमल अंग है श्री राधा रानी, लेकिन जब राधा रानी रसोई बनाती थी 15-20 भट्टे लगे हुए, चूल्हा लगी हुई चारों तरफ में, राधा रानी बीच में बैठी हुई, ललिता को कह रहे ललिता जल्दी जल्दी ये खीर बनाओ, विशाखा ये सब्जी बनाओ, श्याम सुंदर का गोचारण करके समय आ गया आने वाले, और राधा रानी बीच में बैठ करके ये लड्डू खिला ये लड्डू बनाती थी, वही लड्डू ही जब श्याम सुंदर ला करके सखाओं को साथ में यहीं पर वो लड्डू को खाना खाते थे, कभी कभी मधु मंगल तो ब्राह्मण है वो थोड़ा पेटू ब्राह्मण थोड़ा ब्राह्मणम क्या ब्राह्मणम बोध प्रिय हाँ ब्राह्मणम मिष्टान्न प्रियम, ब्राह्मण को मीठा बहुत ही प्यारा है, इसलिए कभी कभी क्या होता है मधु मंगल लड्डू लाए, लेकिन सखा लोगों ने क्या करते बीच बीच में जो कनियरी फूल का फल होता है ना वो लाठिया में ऐसे कर कर चलते हैं, लठिया में लगा हुआ वो पीछे से धीरे धीरे सारे लड्डू निकाल लेते हैं, और कनियर का फूल देखा ना उसमें जो फल होता है उसका फल भर देते हैं, उसमें फल को भर करके जब खोलते हैं एक भी लड्डू नहीं, इतने में मधु मंगल तो क्रोध आ जाता अपना जज निकालता है, बोले मैं साले में ब्राह्मण का बेटा हूँ क्या समझते हो, साहब तुमका अभिशाप दूंगा, तुमको सबके साथ अभिशाप दूंगा, इसलिए कंस को नाली से करूंगा, इसलिए यही ग्वाल पोखरे में यही पर सुंदर सुंदर कृष्ण सखाओं को साथ में प्यारे प्यारे यही पर कृष्ण लीला करते थे, और एक मिनट कहते यही पर है बनवारा सुनाते ना, यही पर एक लीला है, एक समय कृष्ण सखाओं के साथ में यहीं पर खेलते खेलते उन्होंने एक सभा बनाई, सभा में राधा रानी उनको सखियों को तो बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट दे दिया, राधा रानी बन गई राज रानी, और ललिता भी सखा को मंत्री पद में है, किसको कटुआल किसको अच्छे अच्छे पद दे दिया, लेकिन कृष्ण सखाओं को किसको झाड़ूदार का पद दे दिया, किसको गेट कीपर का, किसको पुलिस मैन डंडा पकड़ कर खड़े रहो, इनको एकदम घटिया घटिया इनकी दे दिया पोस्ट, जब पोस्ट दे दिया इतने में सखा लोग तो लज्जित हो गए, बोले भैया राधा रानी और सखी लोग तो बड़े बड़े पोस्ट ले दिए और हमको झाड़ूदार चौकीदार पुलिस बना दिया है, बोले एक काम करो गंडोलो करेंगे है झगड़ा करेंगे ना, ये सभा जो मिट्टी का जो क्या कमिटी को इसको हम तोड़ देंगे, हम बंद कर देंगे इसकी भंग कर देंगे इसको, बोले भंग कैसे करेंगे, इतने में क्या किया कृष्ण का जो बंसुरी था उसको चोरी कर ली, और चोरी करके उन्होंने ललिता की जो चोटी है ना उसको कपड़ा को नीचे उन्होंने चोटी को नीचे उन्होंने छुपा दी, छुपा करके इतने में जा करके नाली सी का राधा रानी को बोले देखो आप राज रानी हो सारे बात को आपको
समझाना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। बोले क्या है? बोले आज का राज की राज दरबार में कृष्णा का बंसुरी की चोरी हो गई, बंसुरी की चोरी हुई, इसका मीमांसा आपको करना पड़ेगा, क्यों? आप रानी हो, आप बताओ। तो इतने में राधा रानी बोली, आपकी शंका किसको ऊपर में? बोले आपका पार्टी में। बोले हमारे पार्टी में कौन? बोले ये जो मोटी शकील ललिता है ना, ये ललिता, इसके ऊपर हमारी शंका हो रही है, हैं? ललिता बोले भैया बांस के टुकड़े हम क्यों लेंगे, हम तो ले ही लिया। बोले नहीं, कपड़ा आपको झाड़ना पड़ेगा, कपड़ा खोलो, कपड़ा खोल करके अपना चादर खोलो, चादर खोल करके झाड़ो, पता चलेगा कहीं है कि नहीं। लेकिन पहले से बंची तो उन्होंने बेड़ी को नीचे, उन्होंने कपड़े को नीचे छुपा दिए, लेकिन ललिता को पता ही नहीं। इतने में सचमुच से जब उनका चादर खोले ना झाड़े, वो बंसी निकला। बोले देख लिया है, आपका जो सदस्य, हमके जो पार्ट, इन लोगों ने चोरी किया है, हैं? इतने में बोले नहीं, ये लोग कभी चोरी नहीं कर सकते हैं, आप झूठ मूठ को छुपा करके आप उनको चोरी का इंजाम लगा रहे हो। बोले नहीं, हम झूठ नहीं बोले, सच। बोले सच बोल रहे? बोले हाँ। बोले फिर राधा रानी के चरणों को छू करके कसम खाना पड़ेगा, सचमुच से इसको किसी ने किया। देखो झूठ यहाँ नहीं बोल सकते हो, राधा रानी के चरणों छू करके आपको कसम खाकर बोलना पड़ेगा, सचमुच से ये चोरी किया तो किसी ने किया। सारे सखालों तो भागने लग गए, क्योंकि एक चोरी तो किया ही नहीं, इन लोगों ने जोर जबरदस्ती इंजाम लगा दिए। फिर तो यहीं पर सारे लीला कृष्ण यहीं पर किए हैं, इसलिए ये जो स्थली है ये गिरिराज का तलहटी है, यहीं पर ही कृष्ण ने ब्रज सखाओं को और सखियों को साथ में बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने यहीं पर उन्हें लीला की। हम गुरु वैष्णव का अनुगत्य में यहाँ पर आए और गिरिराज गोवर्धन सर्व अभिष्ट प्रदाता, ये सारी इच्छाओं को श्री गिरिराज गोवर्धन पूरी करते हैं। केवल हमारी एक इच्छा है, श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, श्री गुरु जी के अनुगत्य में, केवल श्री राधा जी की अनुगत्य में, केवल श्री जुगल सरकार की सेवा ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन ये वस्तु को प्रदान कर सकते हैं। हम लोग गिरिराज के पास में यही प्रार्थना करते हैं, कैवल्य ऐक्यम प्रयोजनम, केवल एक ही वो मंजरी भाव से महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आश करके जो चीज दिया, हम वही चीज श्री गिरिराज से प्रार्थना करते हैं, एक दिन हमारे अभिष्ट को श्री गिरिराज गोवर्धन पूरी करे। वंशा कल कृपा सिंधु पतितानंग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। बोले श्री गिरिराज बाबा की हरे कृष्णा। अब हम लोग इधर से जिधर हम लोग जाएंगे ग्वाल पोखरा, ग्वाल पोखरा में जब कृष्ण गोचरण के लिए आते थे, उनके जो गोप थे, गोमाताएं बहुत ट्रेंड थी, जाके सबको प्यास लगती है, जैसे मुझे प्यास लगे पानी पी लिया, जब तुम्हें गो गोरु नहीं हो, गो माता या सत नहीं हो, फिर मुझे भी प्यास लगता है, आप लोगों को भी लगती होगी। जब उधर जाते पानी पिलाने के लिए, ऐसे ट्रेंड है, नीडी नीडी निरर्थक पानी, देखा लोग ट्रेन में जर्नी करने पर बोतल देता है नीर, वहीं से सीखा है नीर नीर ताबर युग से, वो गैया क्या करेगी, पानी में उतर जाएगी, चू चू पानी पियो पीने लग जाएगी, फिर गैया और थोड़ा अंदर जाना चाहती है, किसी को तीरी तीरी तीर में आ जाओ, आ जाएंगी, फिर चलो क्या हियो हियो चलो चलो, ऐसे करके विभिन्न सांकेतिक भाषा में गायों को कृष्ण संभालते, वहीं जाएंगे आचमन करके, इधर तो बैठने जगह नहीं है, और फिर इधर समझाएंगे ग्वाल पोखरा ग्वाल सॉरी किल्लोल कुंड मठ के बिल्कुल पास में है, फिर किल्लोल कुंड में अब किल्लोल करते ही हम लोग मठ में जाएंगे। हरे कृष्णा वंशा कल कृपा सिंधु मृदंग करताल झाजर कासर माइक उठाइए उठा लीजिए। हरि बोल हरि हरि ऊपर पापा के पास जाओ। हरे कृष्णा अभी सब लोग देखते रहिए लाइव, हम अब जा रहे हैं ग्वाल पोखरा, आपको वहां पे दर्शन कराएंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
बच्चे में से भी चुभ रहे, इतने खतरनाक कांटे हैं। पैर तक गुंजे पड़ गए थे। वो तेज चुगा भी चप्पल में से भी क्रॉस कर गया।
अभी हम कहाँ आए हैं बताइए? अभी हम हाँ वहीं आए हैं जिस जहाँ का कथा आपने थोड़ा देर पहले सुना है और हिंदी और इंग्लिश ग्वाल पोखरा बोलो ना। ये ग्वाल पोखरा नहीं है और क्या ग्वाल पोखरा है? और क्या चार बार बोला इससे यहाँ पे क्या है अंदर ग्वाल पोखरा अंदर दे दो जा भुला जा तो फिर तो तुम तो भाग के चले जाना ना मैं तो जा रही हूँ नीचे ही श्री ग्वाल पोखरा की जय श्री ग्वाल पोखरा कुंडे की जय। आप सभी अभी देख रहे हैं ग्वाल पोखरा कुंड के दर्शन कर रहे हैं वहीं से ही मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Say something in English about here. About what? Where are you going now? And which session you are doing now? Tell. We are going to Kapila Pool now. Speak loudly. आएगी कोई अभी गाड़ी से चलेंगे यहाँ से
वृंदावन जा रहे हैं यहाँ से किलोल कौन नहीं जाएंगे उधर भी बस प्रणाम करके निकल जाएंगे काट अच्छे तो क्या है कौन है वो अब यहाँ से सीधे चल रहे हैं किलो कौन नहीं जा किलो कौन चलो किलो लो रखा है पैदल पैदल गाड़ी से चलते हैं किलोलकुंड अरे किलोलकुंड क्या करना वो तो आते वक्त कर लेना करना किलोलकुंड चलो चलो और क्या वहाँ प्रणाम करके निकल जाएंगे चलिए अब बताइए अब हम कहाँ जा रहे हैं बताइए भगवान के धाम वो लोग लाइव अरे रामा अरे चिराग प्रभु कुछ बताओ ग्वाल पोखरा के बारे में ये पोखर है हाँ। जहाँ ग्वाल आते थे ग्वाल पोखरा और यहाँ पे क्या हुआ गैया जो है गैयों को लेकर के आते थे श्री भगवान और गाय है ना अलग अलग गाय थी सुरभि काली कोई 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 तो भगवान उनको लेकर के आते थे तो अलग अलग सांकेतिक भाषा में उनको नोटिफिकेशंस देते थे इंस्ट्रक्शंस देते थे से मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो मतलब अच्छा अच्छा यानी कि पानी पी लो ओके जो लोग लाइव देखा जिन्होंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर मिलते हैं बरसाना की परिक्रमा में हरे कृष्णा हरि बोल।